पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाई लखनऊ से ही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की नगर नगर डगर डगर पदयात्रा शुरू हुई। शिवपाल के आह्वान पर यह पदयात्रा निकाली गई है। 7 सूत्री मांगों को लेकर सरकार पर प्रसपा ने निशाना साधा है। पदयात्रा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। तो बड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं, प्रसपा भी राजनीति में अब सक्रिय होती नजर आ रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तरफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो तमाम पार्टियां हैं वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए तमाम राजनीतिक एजेंडे जो हैं वो उस पर काम कर रही हैं। और इसी में ही प्रसपा ने पदयात्रा निकाली है। पदयात्रा के मद्देनजर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार पर प्रसपा ने निशाना साधा है। शिवपाल यादव के नेतृत्व में ये पदयात्रा निकाली गई है। मयूर हमारे सहयोगी इस पूरी खबर को और ज्यादा नजदीक से देख रहे हैं। मयूर, क्या दर्शकों को आप बताना चाहेंगे, जो प्रसपा का जो अब ये यूं कहें कि राजनीतिक एजेंडा शुरू हुआ है पदयात्रा का, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी देखिए, गांव गांव पांव पांव और नगर नगर डगर डगर, ये दो कार्यक्रम है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो या उनके बेटे या राष्ट्रीय महासचिव कहें तो आदित्य यादव हो, दोनों लोग गांव में गए और किसानों से बात की। और जो किसानों के लिए जो बिल आया है, जो केंद्र सरकार ने पारित किया है, उसको उसके खिलाफ उनको समझाना कि ये उनके लिए अच्छा नहीं है और वो उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, इन सब बातों को लेकर उन्होंने जाके किसानों से बात की। अब क्योंकि शहर में भी ये मुहिम जारी रखनी है, तो नगर नगर डगर डगर नाम के कार्यक्रम का जो है आयोजन आज किया गया। और प्रसपा के जो कार्यकर्ता हैं सैकड़ों की संख्या में लखनऊ में जगह जगह गए और उन्होंने लोगों को पर्चे बांटे और लोगों को जागरूक किया कि केंद्र सरकार किस तरीके से किसानों के विरोध में काम कर रही है और वो किसानों के साथ खड़े हैं। तो यही दो कार्यक्रम है लगातार प्रगतिशील समाजवादी के चलते रहेंगे, लेकिन कितने ज्यादा कारगर होंगे और किसान कितना प्रभावित होंगे इनसे, ये तो देखने वाली बात है, ये तो बाद में पता चलेगा इन्हें। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया मयूर आपका।